हबू का किचन में आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल तवा पनीर बनाएंगे। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल तवा पनीर की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। रेस्टोरेंट स्टाइल तवा पनीर बनाने के लिए एक पेस्ट रेडी करते हैं और इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल, ऑयल गरम हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी इलायची, 1 टुकड़ा तज का, 4 से 5 मरीदाना, 3 से 4 लविंग और 2 तेजपत्ता ऐड करेंगे। इसे 2 मिनट के लिए खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां और 2 से 3 टुकड़े अदरक के ऐड करेंगे। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट पिंक हो जाने के बाद 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर मसाले को भूनेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1/2 कैप्सिकम, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 2 से 3 काजू और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेने के बाद 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए ढककर टमाटर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें से हम तेजपत्ता निकाल लेंगे और इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच घी, घी गर्म हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच हाफ क्रस किया हुआ लहसुन, लंबी स्लाइस में कटा अदरक ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद 1 चुटकी हल्दी और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे।
एक मिनट भून लेने के बाद हमने जो पेस्ट रेडी की थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तीन से पाँच मिनट हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ग्रेवी को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। अब एक फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल, आधा कप प्याज और आधा कप कैप्सिकम ऐड करेंगे। प्याज और कैप्सिकम को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज और कैप्सिकम फ्राई हो जाने के बाद इसे ग्रेवी में ऐड करेंगे और 250 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 2 बड़े चम्मच जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल तवा पनीर रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल तवा पनीर की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।